प्लीज मेरी पूरी वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज मुझे सपोर्ट करना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर बेल आइकन भी करना। आज मैंने बनाई है चने की दाल जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है, जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए पानी ठंडा वाला पीने के लिए, आम पन्न पुदीना आम पन्ना। तो मैं यहाँ 2 गिलास ले लिए और 2 चम्मच डाल दूंगी अपने हस्बैंड और काना के लिए बनाऊंगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पीते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, मैंने इतना ही डाला है इसमें। तो यहाँ इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करके और ले लूँगी, फिर इसके बाद में बनाऊँगी खाना, क्योंकि आज मैं खाना थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ दोनों के लिए। यहाँ मैं बनाऊँगी यहाँ चने की दाल। तो यहाँ चने की दाल ले लूँगी मैं, इसको धो लूँगी। तो यहाँ मैंने चने की दाल को धो लिया है और बनाऊँगी। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालूँगी कि बाहर निकले। हल्दी ऐड करूँगी, नमक स्वाद अनुसार ऐड करूँगी और तेज पत्ता डालूँगी यहाँ पे, और हींग भी डाल दूँगी। और जो मसाला मैं पीस के घर का बना हुआ है, मिर्ची दालचीनी धनिया पाउडर, इसको पीस के भून के पीस के रख लिया, तो इसको भी ऐड कर दूँ। इसमें मैंने डाले हैं आलू 2। और यहाँ मैं बनाऊँगी जीरा चावल। तो मैं चावल ले लिए, हींग तेज पत्ता दालचीनी जीरा घी नमक। तो यहाँ मैंने कुकर बैठा दिया है, तो कुकर को करूँगी मैं अच्छे से गरम। गरम करने के बाद इसमें मैं घी डालूँगी थोड़ा सा, थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा घी नहीं डालूँगी। तो मैं इसमें जो पानी है तो उसको हट जाएगा तब घी डालूँगी, नहीं तो वो मेरे पर उछटेगा, तो इसलिए मैं उसको पहले सही कर लेती हूँ, पानी को सुखा लेती हूँ कुकर का। और जीरा राइस की मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी आपके साथ, अलग से शेयर करूँगी जीरा राइस। तो यहाँ मेरा कुकर तो हो गया गर्म, अभी मैं इसमें डालूँगी हींग घी और हींग डालूँगी। जीरा चावल खाने में मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, जीरा चावल बनते हैं तो मैं रोटी भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही घी डालूँगी। और उसमें घी ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा निकालना पड़ेगा, इतने में ही हो जाए, तो मैंने डाल दिया है घी, काफ़ी है थोड़े से चावल बनाऊँगी। तो अभी इसमें मैं हींग भी डालूँगी। तो वहाँ मेरे चावल बन के रेडी हो रहे हैं और अब मैं लगा लेती हूँ आटा। तो यहाँ मैं आटा लूँगी और अजवाइन डालूँगी, नमक डालूँगी और थोड़ा सा डालूँगी सरसों का तेल। और मैं मेरे हस्बैंड को चने की दाल के साथ पूड़ी खाना उन्हें बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं पूड़ी बनाऊँ। हल्की सी डाली मैंने इसमें हींग जो कि टेस्ट अच्छा आएगा, और नमक भी डाल दिया स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि उनको दाल के साथ खानी है, उनको बहुत पसंद है चने की दाल। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूँगी। तो इसको अब मैं आटे को लगा लेती हूँ अच्छे से। और इसको मैं आटे को लगाने के बाद इसको 5-10 मिनट बाद, जो भी है इतना टाइम, तो मैं रख दूँगी, जिससे मेरा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा तो पूड़ियाँ अच्छी बनेंगी। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ, अच्छे से गूंद लेती हूँ आटे को। तो आटा गूंदने के लिए तो थोड़ा आप उसको 5-10 मिनट रख दो तो बहुत अच्छा फूल जाता है, तो रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं, पूड़ी भी अच्छी बनती है। तो मैं यहाँ मेरे जीरा चावल बन गए हैं, 2 सीटी तक मैं बनाऊंगी, मैं 2 सीटी लगाऊंगी इसमें। तो उधर मेरी दाल बन रही है चने की दाल, मैंने 4-5 सीटी लगाई है दाल में, उधर मेरे चावल बन गए, दाल भी बन गई है, मुझे तड़का लगा। तो यहाँ मेरी दाल उबल गई है बिल्कुल, अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। इसमें मैंने आलू डाले थे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि आलू का चोखा बनाना था। तो यहाँ पैन आलू का कुछ बनाया था, तो उसमें मैंने सोचा इसमें ही तड़का लगा देती हूँ, आलू फ्राई करे थे मेरे हस्बैंड ने, तो फिर मैंने कहा चलो इसमें ही तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने जीरा डाला है, वो मैं सादा तड़का लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि उनको प्याज वगैरह, सादा दाल खानी है मेरे हस्बैंड को। तो बस यहाँ मैंने जीरा डाला है और थोड़ी सी डालूंगी यहाँ पर जो मसाला था वो भी डाल दूंगी, और हरी मिर्ची और लहसुन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, बस सादा ही बनाऊंगी क्योंकि गर्मी में थोड़ा सादा ही खाना खाना चाहिए। तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है, मेरा लहसुन भी भुन गया, थोड़ा ब्राउन सा हो गया है। तो इसमें मैं डाल दूंगी चने की दाल,
तो ये मैंने सादा तरीके से जो बनती है डेली में ऐसे बनाई है दाल। और मैं बहुत जल्दी आपके साथ दाल का वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ जो मैंने आलू उबाले थे तो उसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची, नमक वगैरह डाला हुआ है और थोड़ा सा डाला है सरसों का तेल। तो इसको मैंने बना लिया है हाथ से, मतलब मैश करके, तो बन गया है मेरा। मैं निकाल दूंगी इसको, एक कटोरी में रख दूंगी। तो यहाँ मेरा ये बन गया है और यहाँ मेरा आटा भी सेट हो गया। तो अब मैं पूड़ी बना लूँगी। तो मैं पहले गाय की पूड़ी निकालूँगी और कान्हा के लिए निकालूंगी, फिर मैं उसके लिए, और मैं सरसों के तेल में ही आज पूड़ी बनाई है, रिफाइंड में नहीं बनाई है। कभी रिफाइंड में बना लेती हूँ, कभी सरसों के तेल में भी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कान्हा की थाली लगा दी, इसमें पूड़ी और चावल और दाल ले लिए, दही भी लूँगी, लेना है। तो यहाँ मैं पूड़ी, और मेरे हस्बैंड को बोले थे मोटी मोटी पूड़ी बनाना, थोड़ी बड़ी सी, तो मैं आज ऐसी पूड़ी बना रही हूँ, वरना मैं छोटी बनाती हूँ। उनके उन्हें खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरी यहाँ पूड़ी बन गई है, रेडी हो गई है। तो मेरा खाना बन के रेडी हो गया। अगर तो यहाँ मेरे दाल, पूड़ी, चावल सब बन गया। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तो प्लीज़ लाइक करना सब।